एवरीवन, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ वीडियो। यूजुअली आजकल जो व्लॉग्स होते हैं वो थोड़े लंबे चलते हैं, लाइक 2 to 3 days, बट दिस टाइम आज जो मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मेरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन है। सो आज मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने। सो ऐसा यूजुअली होता नहीं है, काफ़ी रेयर होता है। एक्चुअली टीनू और सैम आए हुए हैं तो वो लोग उनका रिचुअल होता है जाते ही जाते हैं, तो वो जब भी आते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ उनके साथ जाने में। एक तो बहुत मज़ा भी आता है, बोरिंग नहीं लगता है। सो बस वहीं जा रही हूँ मैं। मैंने पहना हुआ है अपना ब्लिस क्लब का जो पैंट है, फ्लेयर पैंट है, वो पहना हुआ है। दिस इज़ माई गो टू पैंट, बहुत सही लगता है मुझे ये। कहीं पे भी आसपास मुझे जाना होता है, वर्कआउट पे जाना होता है, डांस करना होता है, या नॉर्मली भी मुझे अपना कोई कंफर्ट पैंट पहनना होता है, मैं इसी को पहनती हूँ। सो बस हम लोग निकल गए हैं। सैम और टीनू पहले निकल गए हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं, तो मैं और मेरे साथ विक्की भी जा रहा है। तो हम लोग गए थे यहाँ पर लेक, काफ़ी फेमस लेक है ये भोपाल का, और सुबह सुबह तो देखना बनता है इस लेक को। मैं किसी दिन संडे को आपको यहाँ पर लेकर के आऊँगी, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा देखने में, बहुत सुंदर लगता है और बहुत सही एनर्जी होती है यहाँ पर। मेरी बीवी को मेरी बहन की गाड़ी की हॉर्न तक पता है, खुद की गाड़ी की हॉर्न नहीं पता है। सब पता है मुझे अपनी मुंबई वाली गाड़ी, कोई गाड़ी आकर के रुकती है, कोई लड़के की कदम आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ, जो केयरटेकर आता है ना मैं उसको समझ जाती हूँ कि वो आ गया है। वो आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम पिक्चर देख रखी है? हाँ, बस वैसे ही समझ लो। शाहरुख खान आने वाला होता था तो उसकी माँ को पता चल जाता था। इंस्टिंक्ट तेज है, इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट तेज है। इन लोगों से फोन करके पूछो कि तुम लोग मनोहर डायरेक्ट चल रहे हो क्या कि घर चल के चलेंगे। दो गाड़ियाँ क्यों जाएंगी ये बताओ ना। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट लेकर के जा रहे हैं, और हम लोग लेकर के जा रहे हैं अगेन सैंडविच समोसा। मुझे तो भाई बहुत ही पसंद है, मुझे उसकी क्रेविंग होती है, बड़ा टेस्टी लगता है। मुझे किसी ने कमेंट पे बताया था कि थाने में भी अवेलेबल है ये, बट ठीक है अवेलेबल होगा, बट मुझे इतनी तो मैं श्योर हूँ, मैंने थाने की अच्छी से अच्छी शॉप पर बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, बट नॉर्थ का टेस्ट ना बहुत कम जगह पर मिलता है। तो आई डोंट नो, कभी पहले टेस्ट करके देखूँगी, अगर मुझे ऐसा टेस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही याद नहीं आएगी ज़्यादा। तो हम बस वही लेकर के गए हैं। सुबह सुबह मेरे पापा सनलाइट में बैठते हैं, धूप में बैठाते हैं हम उनको, एंड बस मैं वही खा रही हूँ, एंड ओ माई गॉड मैं बता भी नहीं सकती कि कितना टेस्टी था। मतलब मेरी मम्मी पापा सबको बहुत पसंद आया है, एंड क्योंकि आज एक दीप करके कुछ तो भी था छोटा सा, तो मैंने सोचा कि मैं रंगोली बना देती हूँ। बस आज ये लास्ट ही है, अब इसके बाद हम लोग रंगोली नहीं बनाएंगे, पैक वैक करके डब्बे में बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो बस आज मैं वही रंगोली बना रही हूँ अभी। ओके, सो डू लेट मी नो आपको रंगोली कैसी लग रही है। सिंपल सी एकदम छोटी सी बनाई है मैंने। अब मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए। तो मैं पहनने वाली हूँ ब्लिस क्लब का एट ईज कॉटन नेट टॉप, बहुत ही प्यारा सा कलर है ये, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस, और साथ ही साथ मूव ऑल डे पैंट्स ब्लिस क्लब की।
सो ये जो मूव ऑल डे पैंट है, रिलैक्स्ड फिट है, मिड वेस्ट है, स्ट्रेट लेग पैंट है फॉर द परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्टाइल एंड कंफर्ट, मेड विद देयर सिग्नेचर विंड निट फैब्रिक जो कि एक्सट्रीमली ब्रीदेबल होता है एंड बहुत ही लाइट वेट होता है. कोई भी आप देखेंगे तो साइड सीम्स नहीं है, दो डीप पॉकेट दिए हुए हैं, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है जो कि एडजस्टेबल ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ आता है, मॉइस्चर विकिंग है, कीप्स यू कूल एंड ड्राई. सो इन लव विद दिस पैंट्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. एक तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है. नाउ कमिंग टू द एट ईज कॉटन निट टॉप के ऊपर, 100% कॉटन है फॉर नॉन स्टॉप कम्फर्ट के लिए, हिप कवरेज मिलता है आपको, रिलैक्स्ड फिट है, आप बिल्कुल मूव करिए अनरिस्ट्रिक्टेड वे में, लूज हाफ स्लीव्स आपको मिलती है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स का लिंक दे दूंगी, ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. तो मैं शार लेकर के आई हूँ, तो अपना स्किन केयर रिचुअल कर रही हूँ, भर भर के मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगी है. यहाँ पर मैंने ऊपर सनस्क्रीन लगा लिया है एंड यस, अभी मेरे बाल थोड़े से वेट हैं तो उनको ड्राई वगैरह करेंगे, तो मैं एयर ड्राई करती हूँ. आई डोंट प्रेफर टू ड्राई माई हेयर, मतलब ऐसे ब्लो ड्राई तरीके से, अंटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी ना हो और कहीं जाना ना हो. एंड यस, अब आते हैं लंच करने के लिए. तो अप्रॉक्सीमेटली 1:30 से 2 बजे मैं लंच करती हूँ एंड क्योंकि विंटर्स आ गए तो विंटर्स में मुझे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि हम बहुत सारा सैलड खा पाते हैं अलग अलग तरीके का. आई रियली लव मूली, मुझे मूली बहुत पसंद है और वो विंटर्स में ही आती है. हमारे यहाँ मूली के पत्तों की सब्जी भी बहुत सही बनती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है. तो जितना हो सके उतना आप ये खाया करिए ठंड में स्पेशली. तो पूरा सैलड प्लेट में भरती हूँ और खाती हूँ. सैलेड के साथ नींबू एंड काला नमक, भाई इसी के साथ खा पाती हूँ, अदरवाइज मुझसे नहीं खिलाता है. एंड ये है मेरी थाली. तो यहाँ पर परवल की सब्जी है, चटनी है जो ऊपर से आई है, और कोफ्ते की सब्जी ऊपर से आई है, और दाल नीचे बनी है. तो ऐसे ऊपर नीचे कुछ स्पेशल बनता है तो हमारा होता रहता है. एंड दिस इज़ माई प्लेट फुल ऑफ सैलड्स. और यस, अब करते हैं लंच. लंच करने के बाद आ गए हैं काम पर बैठने के लिए. और ये मेरा नया प्लानर है, मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ. ओके गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है. मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, वही काम से मैं अभी फ्री हुई हूँ. तो मैं अपना जो मेरा प्लानर है वो चेक कर रही थी. सो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी टाइम से पता होगा दैट आई रियली लव टू यूज़ प्लानर्स. बट क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई थी ना, तो लास्ट 3.5 मंथ्स, तो चलो जब तक मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं हो रही थी. लेकिन जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है लाइक लास्ट फ्रॉम 1 मंथ से, जो ब्रांड डील्स वगैरह है, इससे पहले अगर आपने नोटिस किया होगा लाइक लास्ट 2 मंथ्स आई वॉज नॉट टेकिंग एनी ब्रांड डील्स. मैंने फर्स्ट मंथ, जिस मंथ मेरे पापा का हुआ था, उस मंथ तो मैंने काम ही नहीं किया था, यूट्यूब वीडियोस ही नहीं बनाए थे, ओनली अपडेट वीडियो बनाया था. और एक आध अगर मेरा वीडियो बन के रेडी था लेकिन उसको लाइव नहीं कर पाई थी, तो मैंने लाइव करा था. एंड फिर क्योंकि मेरा उस मंथ ऑब्वियसली आपका जैसा, अगर नवंबर मंथ के मेरे जो कोलैबोरेशंस होंगे ना, वो सब डील मेरी अक्टूबर में हो चुकी होगी. तो ऐसे ही हुआ था कि जो मेरे पहले से डील्स डन थे, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच ग्रेट ब्रांड्स. मतलब आप सोचो, मैंने एक ब्रांड का जो वीडियो है ना, वो लिटरली 3 मंथ्स के बाद लाइव किया है. मतलब वो ब्रांड के साथ मैंने डायरेक्ट काम नहीं किया है, उन एजेंसी के साथ मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, 2 ईयर्स से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. तो उनको मैंने क्लियरली बोल दिया था कि इस वीडियो में, उन्होंने मुझे इस चीज़ की भी फुल्ली परमिशन दे दी थी कि टेक योर टाइम. और क्योंकि उस वीडियो को आपने अभी देखा होगा, मैंने आई थिंक 3 मंथ बाद वो वीडियो रिलीज़ किया, उसमें एक ब्रांड इंटीग्रेशन भी था. तो वो उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझी भी उस चीज़ को. मैंने बोला यार मुझसे नहीं हो रहा है वो पार्ट एंड ऑल दैट. तो हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्योंकि मैंने इतना डिले कर दिया था, उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आ गए थे, तो कुछ छोटे मोटे मैंने चेंजेस शूट करके उस वीडियो को फिर लाइव कर दिया. मेन बात ये है कि जब सारा काम होता, जब मेरा बेसिकली जब वीडियो का काम होना होता है ना, तो मेरे को चाहिए होती है भाई प्रॉपर प्लानिंग, कि मेरा पर्सनल काम, मेरा वीडियो का काम, और कब एडिटिंग जाना है. क्योंकि आई एम ओनली वन जो फिनेंस भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, भी देख रहा है. हालांकि मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है ना ही मैं बहुत बड़ा काम करती हूँ, बट स्टिल मुझे चाहिए होता है कि भाई मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिख करके फॉलो कर सकूँ. सो आई नीडेड अ प्लानर. अब मेरे जो प्लानर्स हैं, ऑल्दो सब अनडेटेड प्लानर्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ लास्ट ईयर से,
बट वो प्लैनेट्स में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो मुझे एकदम बेसिक सा सस्ता सा प्लैनेट चाहिए था, तो मैं अमेज़न ऐसी देख रही थी रैंडमली, और जैसे ही मैंने अमेज़न देखा मुझे ये प्लैनेट देखा, तो पहले मैं प्राइस देख करके मुझे लगा यार ऐसी इतना सस्ता प्लैनेट है, डेफिनेटली बहुत चीप क्वालिटी का आएगा, मेरे दिमाग में लिटरली यही चीज़ आई। बट मैंने कहा चलो ठीक है 299 रुपीज़ का है, इतना महंगा नहीं है, 300 रुपये का प्लैनेट है, तो जैसा भी आएगा मेरा काम चल जाना चाहिए, मुझे ऐसा मेरे दिमाग में वैसा आया था। एंड व्हेन आई ऑर्डर्ड दिस, और जब मुझे रिसीव हुआ, माय गुडनेस भाई, मैं तो देख करके एकदम शॉक ही हो गई थी कि 300 रुपये का प्लानर है। मतलब आप पहले तो उसकी क्वालिटी देखो, हार्ड बाउंड, इसका इस तरह के प्लानर्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी होती है। आई डोंट नो ये 299 में कैसे सेल आउट कर रहे हैं। अनडेटेड प्लानर है, दे हैव वेरी हैप्पी कलर्स, वो सब यहाँ पर डेट्स लिखे हुए हैं 1 to 30, देन यहाँ पे मंडे टू संडे तक का वो डेज लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर आप अपना ईयर डाल सकते हैं, ठीक है, कौन से ईयर में आप चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपकी टू डू लिस्ट है अच्छी खासी, और देखिए यहाँ पर चेकबॉक्स बने हुए हैं, तो आप टिक करने को आपको ईजी रहेगा। देन उसके बाद मस्ट गेट डन, मतलब स्टार्टिंग सुबह से लेकर रात तक के जो 3 प्रायोरिटी काम है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, वो आप यहाँ पे लिख लो। बेस्ट पार्ट भाई, वाटर इनटेक दिया हुआ है, अमेजिंग है ये। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स एंड स्टफ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ अब आप यहाँ पे आइए तो व्हाट वाज ग्रेट, कैन डू बेटर, उसके बाद माई मोटिवेशन क्या था वो आप रात में लिख सकते हो। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट्स मैंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक, ये सब भी दिया हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ रियली इनफ। मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल मीटअप पे। सो एक्चुअली जो मीटअप है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है, सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलने जा रही हूँ। तो वो अभी भोपाल आए हुए हैं, एंड सो मैं जा रही हूँ अभी करुणाधाम आश्रम। वो करुणाधाम आश्रम भी इसलिए आई है क्योंकि मैं वीडियोज़ में बहुत बार तारीफ कर चुकी हूँ कि अगर आप भोपाल आए तो वहां जरूर आइएगा, भोपाल है। सो एक्चुअली शी इज फ्रॉम मुंबई ओनली, बट मुंबई में हर चीज इतनी दूर दूर है, इतनी दूर दूर है कि आपका मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड बिकॉज करुणाधाम आश्रम इज वेरी नियर बाय टू माय होम, मतलब 1 किलोमीटर भी से भी ज्यादा पास में है, तो मैं सोच रही हूँ मैं जाकर के मिल के आती हूँ उनसे। एंड यस आई एम गोइंग देयर। सो मैंने सिर्फ शर्ट चेंज कर लिया है, पैंट मैं वही पहनी हुई हूँ, एंड या लेट्स गो गाइस। तो मैं पहुंच गई हूँ उनसे मिलने के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। जिनसे मिलने के लिए मैं आई थी वो ये है, मैम बोलूँ क्या बोलूँ मैं आपको, कुछ भी बोल दो यार, मतलब ये मेरी मम्मी की एज की है, मेरे पापा की एज के हैं, तो यूजुअली मेरे एज के जो लोग हैं उनसे तो मैं मिलती रहती हूँ, बट सो गुड टू मीट यू गाइस, मतलब बहुत, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर टू। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट रुचि, पता नहीं क्यों कुछ कनेक्शन था उसकी बातें, उसका वीडियो, इसलिए नहीं तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट कनेक्टिविटी थी, कुछ बातों से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती थी, इसलिए मिलना चाहती थी। सो गुड टू मीट यू, सो गुड टू, मतलब मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ उनसे, इतना अच्छा लग रहा है मुझे मिल करके, सो थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। मेरी भोपाल यात्रा एकदम बढ़िया सफल हो गई। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर, एंड आपने देख लिया होगा मैंने मोबाइल से छोटा सा किया क्रिएट, बात किया उनसे, तो वहाँ मिलने के बाद ना वो मंदिर में भी मेरे से बोलने लगी कि उनको मेरे पापा से मिलने का बहुत ज़्यादा मन है, और फिर मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके घर लेकर के आई, मेरे मम्मी पापा से मिले वो लोग, एंड जाते जाते भी ना मतलब मेरे पापा को वो ब्लेसिंग्स ही दे करके गई हैं, एकदम हाथ वाथ जोड़ करके कि आप मतलब गेट वेल सून वाला, तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस रूप में, भगवान के रूप में शायद उनकी ब्लेसिंग ही मेरे पापा को लग जाए और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव सोल थे दोनों, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। पता आप लोगों को मुझसे मिलके कैसा लगता है जो लोग मुझसे मिल चुके हैं, बट मैं आप लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत एक्साइटेड होती हूँ, नॉट इवन मी, मेरी पूरी फैमिली, मतलब अभी तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हो रहे थे, फिर उसके बाद विक्की भी बहुत खुश होता है अगर वो भी मिलता है तो मतलब मैं तो बहुत खुश होती हूँ, बट मैं सामने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती बिकॉज ऐसा ना लगने लगे यार कि ये लड़की कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है या जो भी, आई डोंट नो, बट आई रियली गेट वेरी वेरी हैप्पी एंड बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो। I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the words that I completed, but that was then, so long ago.
ओके सो एक और चीज़ मुझे आप लोगों से बोलनी थी दैट आप लोगों को पता ही होगा कि आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन अकल साइंस दीज डेज. कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस करे थे दैट हाउ मेनी पीपल बिलीव इन साइंस, हाउ मेनी पीपल बिलीव इन वास्तु, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी ऐसे करके. तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मैक्स काफ़ी लोग मतलब मेरी 50% ऑडियंस बिलीव्स इन अकल साइंस, जिसमें से 50% करते हैं 50% नहीं करते हैं, और कुछ 10-20% ऐसे लोग थे जिन्होंने लिखा था. मैंने एक पॉइंट ऑप्शन ये भी दिया था कि आप अगर आपको लॉजिकल उसके पीछे रीजनिंग मिल जाए कि एक्चुअल रीजन इसके पीछे का ये है तो आप शायद मान लोगे. तो आई एम थिंकिंग टू मेक अ न्यू पेज, है ना, क्योंकि मेरा जो रुचि स्टाइल कॉर्नर है एंड स्टाइल योर स्पेस विद रुचि है वो तो पूरा डेकोर से रिलेटेड है, एंड रुचि स्टाइल कॉर्नर बहुत रैंडम है, वहाँ मैं बिल्कुल रॉ और जो मेरा मन आता है वो मैं करती हूँ, एंड जो स्टाइल योर स्पेस वाला है वो प्रॉपर डेकोर से डेडिकेटेड है. एंड जो तीसरा पेज बनाने का सोचूँ, बट मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि पता नहीं मैं मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. डेफिनेटली मैं यूट्यूब वीडियोस तो बनाऊँगी, तो मैं इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी. बेसिक कि आप अपना खुद का नेम करेक्शन कर सको, डेस्टिनी नंबर है उससे वो आपका नाम सही बैठता है कि नहीं बैठता. न्यूमरोलॉजी इज़ बेसिकली आपके लाइफ में लक फैक्टर लेकर के आता है, राइट. तो वो जो लक फैक्टर्स मिसिंग हो जाते हैं आप नंबर्स के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हो, आपका प्रमोशन रुका हुआ है बहुत टाइम से, आपके पास पैसा नहीं ठहरता है, एनर्जी नहीं है, या आपकी लाइफ मतलब ऐसे जो भी होगा ना, तो वो मैं चाहूँगी कि आप बेसिक आप खुद समझो. तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी इसके, डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी. तो मैंने प्रॉपर उसका लोगो वो सब रेडी कर लिया है. इंस्टाग्राम पे मैं जिस दिन पेज लॉन्च करूंगी तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगी, यूट्यूब पे भी. तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो फिर उस पेज को फॉलो करें. बाद मुझे कहीं पर जाना है, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू शूट दैट पार्ट बिकॉज थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट है. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू कर्ल माई हेयर एज वेल. मैं सोच रही हूँ एक ना अच्छा सा टोंग ऑर्डर करने के लिए. कर्ल करने से पहले आपको अपने बालों को डिटैंगल करना है, उसके बाद मैं अपने बालों में सेक्शनिंग करूँगी. वैसे मैं काफ़ी बार वीडियोस में इसके बारे में बता चुकी हूँ, बट स्टिल अगर आप नए हैं तो देख लीजिए फिर से, क्योंकि यही मेरे रूटीन में इन्वॉल्व है आज. एंड उसके बाद सेक्शंस करने के बाद हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करूँगी. तो यहाँ पर मैं बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. हीट प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम यहाँ पर अच्छी खासी हीट यूज़ कर रहे हैं. और मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से अपने बालों को कर्ल करने वाली हूँ. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं है तो आप एक स्ट्रेटनर से स्ट्रेट भी कर सकते हो, बालों को कर्ल्स भी कर सकते हो. तो यहाँ पर मैंने कर्ल करना स्टार्ट कर दिया है. 10 seconds तक आपको रखना होता है तभी वो टिकेगा, अदरवाइज वो वापस से स्ट्रेट हो जाएंगे आपके बाल. एंड या प्लीज़ मेरे फेस जो मैं बना रही हूँ इतने अजीबोगरीब उसको अवॉइड करिएगा. ये मैं जब खुद एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि भाई मैं ऐसे फेसेस क्यों बना रही हूँ, पता नहीं. सो प्लीज़ अवॉइड दैट, ठीक है. हाँ तो ये देखिए अभी मैं आपको इसका पीछे का लुक बता रही हूँ, बहुत सही लगेगा ये. I'm just hanging around. I sit right here. I'm just spending my time. Okay guys, so I'm almost done with the day and yeah, that's it for the video. If you like my video then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. See you in my next video. Till then, bye.